गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 4, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, अभी हमने पज़ल वाले ब्लड रिलेशन पढ़ लिए हैं और जो मेंस में आता है वो हम पढ़ेंगे पज़ल वाले चैप्टर पे। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कोडेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले सबसे आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, मैंने लिखा कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ अगर तो क्या बनता है, एक तो कोडेड मतलब कुछ भी कोड दिया रहेगा, जैसे कि मान लो कुछ सिम्बॉल दे दिया, प्लस माइनस एट द रेट हैज डॉलर इनटू डिवाइड ऐसे। ठीक है, ब्लड रिलेशन में हमने पढ़ा है क्या होते हैं, इसमें सारे हमारे रिलेशन आते हैं, रिश्ते आते हैं, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ये सारे रिश्ते आ जाते हैं। ठीक है, तो कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होगा, एक कोड दे दिया मान लो प्लस, उसका मतलब आपको बोल दिया है, प्लस का मतलब है फादर। ठीक है, इसमें बोल दिया प्लस का मतलब है फादर, ठीक, माइनस का मतलब है मदर, ठीक, प्लस और डिवाइडेड का मतलब है ब्रदर, और इंटू का मतलब है सिस्टर। मान लो ऐसा दे दिया तो अब क्या करेगा, वो दो तरीके से दे सकता है, एक तो P+Q। ठीक है, P+Q लिख दिया, A+B लिख दिया, कुछ भी लिख सकता है वो यहाँ पे। ये क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है, ये सिर्फ बताने का है कि कुछ भी यहाँ पे इनकी जगह आ सकता है। मान लो अगर यहाँ पे XY है, X+Y मतलब क्या हो गया, जहाँ पे प्लस दिख गया उसका मतलब क्या बोल रहा है, फादर है, मतलब X इज़ फादर ऑफ Y। ठीक है, X क्या है, पापा हैं इनके, Y के। ठीक है, वहीं अगर मैं इसे एक दूसरे तरीके से भी लिख दूँ, Y+X, X+Y, ठीक है, दोनों का मतलब ही क्या है, फादर, प्लस का मतलब क्या है, फादर। ठीक है, प्लस का मतलब क्या आ गया, फादर। ठीक है, प्लस का मतलब क्या आ गया, फादर। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने Y+X का मतलब भी फादर है, X+Y का मतलब भी फादर है। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिया, X+Y मतलब भी फादर, Y+X, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस ये है दोनों में, यहाँ पे क्या है, Y फादर है किनके, X के, यहाँ पे क्या है, X फादर है Y के। पहले वाले का रिलेशन बताया जाता है दूसरे वाले के साथ। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम कैसे बन जाएगा मेरा, Y+X मतलब Y इज़ फादर ऑफ X, Y क्या है, पापा हैं किनके, X के। ठीक, ये हो गया मेरा पहला डायग्राम, और दूसरा डायग्राम मैं कैसे बनाऊँगी, X+Y मतलब X इज़ फादर ऑफ Y, यहाँ पे क्या है, X फादर हैं किनके, Y के। ठीक है, यहाँ पे Y के बेटे हैं, मतलब Y के बच्चे हैं X, यहाँ पे X का बच्चा है Y। ठीक है, यहाँ पे Y फादर हैं, यहाँ पे X फादर है, ये दोनों डिफरेंस होता है दोनों में। तो आप क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि Y+X बोल रहा है कि X+Y बोल रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पहले वाले में तो दे दिया इसने X+Y मतलब X इज़ फादर ऑफ Y, दूसरे में लिख दिया इसने X-Y मतलब X इज़ मदर ऑफ Y, ठीक ऐसा लिख दिया इसने, तीसरे में ये लिख देगा Y-X मतलब Y/X ऐसे लिख दिया, मतलब क्या हो जाएगा, अभी इसमें तो X फादर है Y की, इसमें X मदर है Y की, इसमें क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा सिस्टर है एक्स की, ऐसा यहाँ पे मतलब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, डिवाइडेड का मतलब सिस्टर है बोल के, अब वाई एक्स मतलब क्या हो जाएगा, वाई सिस्टर हो जाएगी एक्स की, यहाँ पे एक्स सिस्टर नहीं है वाई की, वही अगर एक्स डिवाइडेड बाय वाई लिखा रहता मतलब क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, सिस्टर है वाई की। ठीक है, इतना समझ आ गया कोडेड ब्लड रिलेशन में हम कैसे किस तरीके से कोडिंग दी हुई रहती है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या लिखा है, पी हैज़ क्यू मतलब पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, पी भाई है क्यू का, पी स्टार क्यू मतलब पी मदर है क्यू की, पी एट द रेट क्यू मतलब पी इज़ फादर ऑफ क्यू, पी क्या है, पापा हैं किनके, क्यू के, पी डॉलर क्यू मतलब पी इज़ वाइफ ऑफ क्यू, मतलब पी क्या है, वाइफ है किनकी, क्यू की। ठीक है, ये सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है कि इसकी जगह ये आएगा, ठीक है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, मुझे बस ये ध्यान रखना है, हैज का मतलब है ब्रदर, ठीक, और स्टार का मतलब है मदर, ये सब मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें एक इक्वेशन दी हुई है, कोडिंग मैं यहाँ पे लिख ली हूँ, ठीक है। जब आप लोग को ऐसे कोडिंग डिकोडिंग दी रहेगी, इसका ब्लड रिलेशन वाला जब आपको कोड दिया रहेगा, तो आप इसे रफ कॉपी पे साइड पे लिख लेना, और साइड पे ऐसा नहीं कि पूरा उतारते बैठेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। हम कैसे लिखेंगे, पी हैज़ क्यू मतलब हैज़ मतलब ब्रदर, इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बी आर ओ, ठीक है। स्टार मतलब मदर, एम ओ टी लिख लिया मैंने, इसको भी पूरा नहीं लिखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे एग्ज़ाम में एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें जहाँ से हम समय बचा सकते हैं हम वहाँ से अपना समय बचाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने साइड पे लिख लिया, हैज़ मतलब ब्रदर, स्टार मतलब मदर, एट द रेट मतलब फादर, और पी डॉलर मतलब वाइफ, ठीक है। तो चलिए अब ये इक्वेशन दी हुई है, अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। क्या लिखा है, जे डॉलर के मतलब डॉलर मतलब मुझे पता है, पी डॉलर क्यू मतलब पी इज़ वाइफ ऑफ क्यू, पी क्या है क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे क्या है के की पत्नी है, ठीक है। जे क्या है के की पत्नी, ऐसा डायग्राम बनेगा, ये पत्नी है मतलब फीमेल है, तो ये क्या जाएंगे, मेल इनके हस्बैंड आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, के एट द रेट एल, अब कैसे लूँगी, इसका इसके साथ रिश्ता पता चल गया, अब के का एल के साथ रिश्ता दिया हुआ है एट द रेट से, ठीक है। एट द रेट मतलब क्या है, फादर मतलब के क्या है, पापा हैं किन के, एल के, ये समझ आ रहा है हमें कैसे लेना है। तो चलिए अब मैं पूरा डायग्राम को बनाती हूँ आपके सामने। जे डॉलर के मतलब जे इज़ वाइफ ऑफ के, ठीक है, जे इज़ वाइफ ऑफ के, ठीक है, तो ये इनके हस्बैंड हो गए। अगला है के एट द रेट एल, के एट द रेट एल मतलब के इज़ फादर ऑफ एल, ठीक है। एल का जेंडर मुझे नहीं पता, ये इनका बेटा है कि बेटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एल हैज़ एम, हैज़ मतलब बोल रहा है ब्रदर, तो क्या हो जाएगा, एल क्या है ब्रदर है किनका, एम का। अब मुझे पता चल गया एल क्या है, मेल मेंबर है, ठीक है। एम स्टार एन मतलब एम क्या है, मदर है, मतलब ये फीमेल है, किन की मदर है ये, एन की, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एन डॉलर ओ, एन क्या है वाइफ है, मतलब ये फीमेल है, किसकी वाइफ है ये, जो भी रहेंगे वो मेल हो जाएंगे, किनकी वाइफ है, ओ की, तो यहाँ पे ओ, ठीक है। ये मुझे डायग्राम मिल गया, अब मैं इसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ इज़ जे रिलेटेड टू एन, जे एन से कैसे संबंधित है, तो एन की मम्मी है, मम्मी की मम्मी क्या हो जाएंगी, नानी मतलब क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। तो पहले का आंसर क्या आ गया मेरा, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, हाउ इज़ एल रिलेटेड टू, कि एल के से कैसे संबंधित है, एल क्या है के से कैसे संबंधित है, ठीक है। के का क्या है, ये बेटा है, मतलब डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये सन, ठीक है। पहले का आंसर ग्रैंड मदर, दूसरे का आंसर सन। आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ए प्लस बी, प्लस मतलब क्या बोल रहा है, ब्रदर है, माइनस मतलब बोल रहा है मदर है, ठीक है। ऐसे अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरीके की कोडिंग को हम कैसे अपना लिखते हैं, ठीक है। और इंटू मतलब दिया है सिस्टर, वैसे ही डिवाइड मतलब डॉटर, और स्टार मतलब फादर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे आप लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या किया था, एक इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, उसके बाद उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया था। अब ये वाले में क्या होगा, इसमें क्या रहेगा, एक इक्वेशन दी रहेगी, उसी इक्वेशन से एक क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, दूसरी नई इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, वही पुरानी इक्वेशन रहेगी, इसमें एक दूसरे इक्वेशन से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। और तीसरा हम पढ़ेंगे, इसमें अभी हम इक्वेशन से उसका आंसर निकालते हैं, फिर क्या रहेगा, एक आंसर टाइप का दिया रहेगा, उससे हमें इक्वेशन को निकालना होगा, मतलब एक रिलेशन दिया रहेगा, उससे हमें इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है। वो आप देखेंगे क्वेश्चन तो आप लोग को बेटर समझ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या लिखा, हाउ इज़ यू रिलेटेड टू टी इफ़ इक्वेशन, इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हाउ इज़ यू रिलेटेड टू टी मतलब यू क्या है, टी से कैसे संबंधित है, और मुझे दिख रहा है टी डिवाइडेड बाई आर इंटू एम प्लस यू प्लस आर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगी, टी डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय मतलब क्या दिख रहा है मुझे, डॉटर, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, डॉटर, डॉटर मतलब क्या है, टी क्या है डॉटर है किनकी, आर की, ठीक है। आर इंटू एम, इंटू मतलब क्या दिख रहा है मुझे, सिस्टर, आर क्या है सिस्टर है किनकी, एम की, तो ऐसा आप रिलेशन बनाएंगे। तो चलिए हम अपना डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, टी डिवाइडेड बाय आर मतलब टी क्या है डॉटर है, किनकी डॉटर है भाई, आर की, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आर इंटू एम, आर क्या है सिस्टर है, किनकी सिस्टर है, आर सिस्टर है, तो फीमेल हो गई, किनकी बहन है ये, एम की,
और क्या बोल रहे हैं, एम प्लस यू, एम क्या है, ब्रदर है, मतलब एम क्या हो गया, भाई हो गया, किनका भाई है ये, यू के, मतलब इन तीनों भाई बहन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यू प्लस आर, अब यू क्या है, यू भी क्या है, भाई, किनका भाई है, आर का, तो आर क्या है, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है तो मुझे आगे आर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पता चल गया। अब इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू क्या है, टी से कैसे संबंधित है, ये रहा हमारा यू, ये रहा हमारा टी, यू और टी का रिलेशन पूछा है, यू क्या है, टी से कैसे संबंधित है, तो टी की जो मम्मी है उनका भाई क्या हो जाएगा, टी का मामा है ना, यू टी की जो मम्मी है उनका भाई है यू, और यू और टी का रिलेशन पूछा है, टी की मम्मी का भाई क्या हो जाएगा, उनका मामा, मतलब क्या हो जाएंगे इनके, अंकल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंकल, ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वैसे, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू की इन इक्वेशन इज़ गिवन, ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग को दिख रही है, ये दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, के इंटू आर प्लस वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एच, इसमें अब इनका रिलेशन बताया गया है। अब मैं कैसे निकालूंगी, के इंटू आर मतलब के क्या है, सिस्टर है, के सिस्टर है, किन की सिस्टर है, के आर की, वैसे ही आर प्लस वी प्लस मतलब ब्रदर, तो आर भाई है किनका, वी का, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, के इंटू आर मतलब के क्या है, सिस्टर है, के क्या है, सिस्टर है, किन की सिस्टर है, आर की, आर क्या है, भाई हैं, किन के भाई हैं, वी के, वी डिवाइडेड बाई एम मतलब वी क्या है, डॉटर है, वी डॉटर किन की आगे, डॉटर है तो फीमेल, किन की डॉटर है ये, एम की, ठीक है। एम क्या बोल रहा है, एम प्लस एच मतलब एम क्या है, ब्रदर है, किन के ब्रदर हैं, एच के, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एच, एच का कुछ पता है क्या मुझे, ये फीमेल भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकता है, अभी तक मुझे नहीं बताया गया, तो मैं इसे कुछ नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, पूछा क्या है, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू के, एच का संबंध क्या पूछा गया है, किसके साथ पूछा गया है एच का संबंध, के साथ, ठीक है। अब के क्या है, के एक लड़की है, इनकी क्या है, मम्मी है, ठीक है, के की, सॉरी इनकी क्या है, ये फादर है, पापा है, के पापा की या तो ये बहन होगी या तो ये भाई होगा, आपके, के समझ लो आप हो, आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे, चाचा या ताऊ मतलब अंकल लगेंगे, ठीक है। आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी मतलब आंटी लगेंगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते कि ये फीमेल है कि ये मेल है, मुझे इनका जेंडर नहीं पता, तो मेरा ऑप्शन लग जाएगा या तो सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये ऑप्शन में होगा तो ये टिक कर देंगे, या फिर ऑप्शन पे दिया रहेगा अंकल या आंटी, ठीक है, ये दिया रहेगा तो हम इसे टिक कर देंगे, आई बात समझ में। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या लिखा है इस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एस इज़ फादर ऑफ क्यू, ठीक है, आप देख सकते हैं, अब क्वेश्चन को इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन तो खैर सभी क्वेश्चन पे रहते हैं ना, मैंने यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है क्योंकि इसमें हमें इक्वेशन फाइंड करना है, हमें इसमें से इक्वेशन को चूज़ करना है, तो हम इक्वेशन को कैसे चूज़ करेंगे, इसके लिए आप लोग एक बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा, जैसे कि मैंने ये तीन पीढ़ियाँ बना दी, ठीक है, ऐसे तीन पीढ़ियाँ बना दी, यहाँ पर आप खुद हैं, यहाँ आपके फादर और मदर हैं, यहाँ पर आपके सन और डॉटर हैं, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे आप खुद हैं, तो आप अपना रिलेशन जब किसी के साथ बनाएंगे, ठीक, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, ठीक है, वो ब्रदर इन लॉ हो सकता है, वो सिस्टर इन लॉ, आप उस इक्वेशन को लिखेंगे ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि सभी क्या हो जाएंगे एक ही पीढ़ी में आएंगे, तो ये सबको हम क्या लिख लेंगे, ज़ीरो, ये हम खुद हैं, ठीक है। अब क्या होएगा, हमसे जो बड़े हैं मतलब हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी हैं, हमारे अंकल हैं, हमारी आंटी हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे हमसे ऊपर, मतलब वो क्या हो जाएंगे हमारे से एक पीढ़ी ज़्यादा मतलब प्लस वन। वही जब हमारे बच्चे आएंगे, सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे हमसे एक पीढ़ी कम है, तो हम लिख लेंगे माइनस। अब मैं ये आपको प्लस वन, ज़ीरो और माइनस वन का कॉन्सेप्ट क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक का हिस्सा है, मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे कि हम इसको आसानी से बिना इक्वेशन को ड्रॉ किए हम क्या कर सकते हैं, इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं लिखूंगी प्लस वन मतलब ऊपर वाले आ जाएंगे, ये मैं खुद हूँ, ये मेरे मम्मी पापा या फिर फादर इन लॉ मदर इन लॉ, नीचे क्या आ गया, और इधर आंटी अंकल भी आ सकते हैं, इधर क्या आ गया ज़ीरो पे, भाई बहन है ना, और हस्बैंड वाइफ ये सब आ गए, और नीचे क्या आ जाएंगे मेरे
सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी 1 0 -1, ठीक है, +1 0 -1, इस ऐसे मैं बताऊंगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऑप्शन पे आप लोगों को 5 ऑप्शन एग्ज़ाम में दिए रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा रहेगा। हम क्या करेंगे, इतनी सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सब में मेरा टाइम चला जाएगा। आप कितनी भी स्पीड से सॉल्व कीजिए, 30 सेकेंड तो कम से कम लगेंगे। तो कितना मिनट चले जाएगा मेरा, 2.5 मिनट तो मेरा ऐसा ही चला गया, ठीक है, 2 से 2.5 मिनट मेरे ऐसे ही चले जाएंगे। तब मैं क्या करूँगी, मुझे एक शॉर्ट ट्रिक काम आएगी, वो रहेगी +1 0 और -1 की ट्रिक, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूँगी, अब ट्रिक को भी हम दो तरीके से यूज़ करेंगे, एक तो +1 वाली रही, 0 और -1 वाली, और एक क्या रहेगी, हम इससे क्या करेंगे, मेल है कि फीमेल, इस इनके जेंडर से हम ऑप्शन को हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे हटाएंगे, जैसे यहाँ पे तो मेल फीमेल वाला आप लोग को मैंने एक भी ऑप्शन नहीं दिया, बट अगर कहीं पे जैसे पूछा एस इज़ फादर ऑफ यू, मतलब इस क्वेश्चन से मुझे पता चल रहा है एस का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। एस का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो अगर एस कहीं सामने पे रहा या फिर बीच पे रहा तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ रिलेशन दिया ही रहेगा, ठीक। जैसे प्लस लिखा रह गया एस के बाद कहीं, तो मुझे पता चल रहा है प्लस मतलब ब्रदर, मतलब हो सकता है ये ऑप्शन पे है, इसका मेल जेंडर क्या आ रहा है, मेल आ रहा है, मतलब ये हो सकता है मेरा आंसर। और कहीं पे एस माइनस लिखा दिख गया, माइनस मतलब क्या है, मदर है, मतलब एस का जेंडर क्या आ रहा है, फीमेल, मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक। इससे ये बात पता चल गई, सामने पे रहेगा तब हम जेंडर चेक कर लेंगे, लास्ट पे बीच पे रहेगा तब हम जेंडर चेक कर लेंगे, ठीक है। और जब लास्ट पे रहेगा उसके आगे तो जेंडर नहीं है, तो उस टाइप के ऑप्शन मैंने दिए हैं। तो चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं, कैसे बनाऊंगी मैं q+v × r+s। अब मैं इन कोड को देखते हुए चलूंगी, मुझे चाहिए s इज़ फादर ऑफ q, मतलब q से मुझे प्लस वन चाहिए, q+v मतलब भाई है, मतलब 0 सेम जनरेशन के हैं, क्योंकि ये v × r × मतलब सिस्टर, मतलब ये भी सेम जनरेशन के हैं, r+s मतलब ब्रदर, ब्रदर भी मतलब सेम जनरेशन के। यहाँ पे मुझे प्लस वन मिला क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चलती हूँ, q-v × t × s, q-v × t × s। अब माइनस मतलब क्या हो गया, मदर हो गई, मतलब सॉरी माइनस मतलब क्या हो गया, मदर हो गई, मतलब क्या आ गई, क्यू क्या है, मदर है, क्यू क्या है, मदर है किन की, वी की। तो क्यू से वी का रिश्ता कैसा जा रहा है, -1, ठीक है। v × t × मतलब क्या है, सिस्टर, मतलब क्या आ रहा है, 0, ठीक है। t × s × मतलब क्या आ रहा है, 0, तो -1 मिल रहा है मुझे, +1 मिल रहा है क्या, नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब मैं चलूँगी अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ, क्या लिखा है, t/q/v-s। अब क्या बोल रहा है, t/q मतलब डॉटर है, टी क्या है, डॉटर है किन की, क्यू की, ठीक है। तो क्यू की टी से रिश्ता कैसा हो गया, क्यू से टी का रिश्ता कैसा हो गया मेरा, -1, ठीक है। पर मुझे टी से क्यू जा रही हूँ मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, +1 हो गया, ठीक है, टी से क्यू का हो गया +1 का। अब मैं क्यू से एस की तरफ जाना है मुझे, तब मैं क्यू से एस की तरफ जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, q/v मतलब क्यू क्या है, डॉटर है किन की, क्यू क्या है, डॉटर है किन की, वी की। क्यू से वी कैसे आया, +1 से आया, ठीक। और क्या हो जाएगा, v-s मतलब माइनस मतलब मदर, v-s, वी क्या है, मदर है किन की, एस की, ठीक। v-s मतलब क्या हो गया, ये भी -1 हो गया, ठीक है। ये दोनों का आ गया, क्यू और एस का क्या आ गया, मेरा भाई बहन का, क्यू और एस अगर मैं इतने को देखूं तो मेरा क्या आ रहा है, +1 -1 मतलब 0, मतलब क्या आ रहा है, भाई बहन का रिश्ता आ गया। तो ये मेरा आंसर होगा क्या, नहीं, ये मैं नहीं लूँगी, क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि ये टी का एस के साथ, जबकि मुझे निकालना किसका है, क्यू का एस के साथ, तो मेरा 0 आ गया, जबकि मेरा आना कितना चाहिए था, +1, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब मैं आखिरी ऑप्शन को चेक करूँगी, वो क्या है, t-q(v)/s, ठीक है। अब क्या है, टी का क्यू से देखना है मुझे, टी क्या है, मदर है किन की, क्यू की, टी क्या है, मदर है किन की, क्यू की। तो क्या हो जाएगा, टी से क्यू जाऊंगी तो -1 हो जाएगा, ठीक है, टी से क्यू जाऊंगी तो -1 हो जाएगा। अब मैं क्यू से वी जाना है मुझे, क्यू से वी जाना है तो क्या हो जाएगा, q×v, ठीक है। तो इंटू मतलब सिस्टर, मतलब 0 आ गया, क्यू से ऐसे ही तो निकालना है मुझे, तो ये क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। अब वी से एस जाना है, वी क्या है, डॉटर है किन की, एस की।
क्यू इंटू वी का तो क्या था, क्यू क्या है सिस्टर है किनकी, वी की, क्यू सिस्टर है वी की। अब वी डिवाइडेड बाई एस मतलब वी क्या है डॉटर है किनकी, एस की, तो ये फीमेल है तो ये क्या हो जाएंगे मेल हो जाएंगे, तो एस फादर आ गए क्योंकि इससे ये सही हो गया। अब इक्वेशन से कैसे निकालूंगी मैं, क्यू है ये ज़ीरो आ गया, वी क्या है डॉटर है किनकी एस की, तो वी से एस का संबंध कैसे आ गया प्लस वन का, वी से एस ऊपर है तो प्लस वन, तो अब क्यू से एस में मुझे क्या मिल रहा है प्लस वन मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर होगा और मेरी ये ट्रिक आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन पे आप लगा के देखिएगा, आपसे ज़रूर बनेगी ये ट्रिक। और मैंने जो बताया है एक बीच, ये तो लास्ट वाले का बता दिया, एस लास्ट में था, एस फर्स्ट पे आएगा या एस बीच पे आएगा तब आप जेंडर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, उम्मीद है मेरे को कि आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, और अगर आप लोग को ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या फिर किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो को एंड अप करते हैं, टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।